हेलो साथियों, नमस्कार। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं आप सबके लिए दृष्टि आईएएस की एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज, जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस और यूपी आरओएआरओ के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। साथियों, शुद्ध रूप से यह उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स की घटनाएं और जीएस के भी कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो करंट अफेयर्स में चर्चा में थे। तो साथियों, इन्हीं सब से रिलेटेड दृष्टि आईएएस का एक बहुत ही बेहतरीन ये आपका ये मैगजीन टेस्ट है, जो ये 25 तारीख को, अभी 25 अगस्त को यही टेस्ट हुआ था। ये मैगजीन टेस्ट, ये इसी को मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए। इसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है। आप 100 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको लगेगा कि आपको पिछले 3 महीने की सारी घटनाओं को जो है एक सटीक जो है आपको जानकारी मिलेगी। तो साथियों, चलते हैं हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप लोग अगर वीडियो पर नए हैं मेरे भाई, तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चले हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया साथियों, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। आप लोग अगर थोड़ा सा धैर्य बना के देखेंगे तो ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। आप लोगों को मालूम है दृष्टि आईएएस जैसी कितनी बड़ी विश्वसनीय और मतलब एक तरह की अच्छी संस्था है जो इन सब कंटेंट के लिए। तो देखें हम लोग पहला प्रश्न क्या कह रहा है। वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश सरकार का निम्नलिखित में से एक लक्ष्य नहीं है, यानी 2027 तक उत्तर प्रदेश का क्या लक्ष्य नहीं है। तो साथियों, 2027 तक उत्तर प्रदेश का ये जो लक्ष्य जो नहीं है, इसी को बताना है जो नहीं है। तो साथियों, यहां पर आप लोग देख रहे हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी को प्रोत्साहन करना, ये तो है 2027 तक इसको अधिक से अधिक प्रोत्साहन करना, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बने और ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन को जो है प्रोत्साहन करें, खरीदें, ये भी है 2027 तक। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना, ये भी है 2027 तक, ये भी लक्ष्य रखा है। मलेरिया को खत्म करना, ये भी 2027 तक ही लक्ष्य रखा है। तो आप लोग को मालूम चल गया, जब ये तीनों 2027 तक हैं, तो डी वाला नहीं होगा, विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा। जो दिल्ली से वाराणसी के लिए बुलेट ट्रेन चलाने का जो सरकार ये योजना रखी है, तो ये साथियों ये लक्ष्य अभी तक जो रखा गया है कि 2029 तक ये लक्ष्य रखा गया है। 2029 तक हम चलाएंगे, अभी सरकार ने ऐसी लक्ष्य रखा है। अब कब चलेगी वो पता नहीं, लेकिन इसका लक्ष्य 2029 तक रखा है। तो विकल्प नंबर डी, ये 2027 तक नहीं है यही, क्योंकि यह 2029 तक है ये इसका लक्ष्य। आगे देखें हम लोग, देखें दूसरे वाले में हमसे क्या पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा रोगों की रोकथाम से संबंधित प्रयोजन नहीं है। तो साथियों, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जो है इसमें वेल्लो फीवर नहीं है, डेंगू भी है, लिम्फैटिक फाइलेरिया भी है, जापानी इंसेफिलाइटिस भी है, यह येल्लो फीवर नहीं है। येल्लो फीवर साथियों का ऐसा फीवर होता है जिसमें शरीर थोड़ी पीली हो जाती है, मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है, यह एक तरह का येल्लो फीवर इसी को कहा जाता है। तो विकल्प नंबर बी, इस कार्यक्रम के तहत येल्लो फीवर नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। आगे यहां पर जरूर ध्यान दीजिए, कह रहा है नहीं है, तो ऐसे अगर यहां पर नहीं ध्यान देंगे तो गलती हो जाएगी। तो साथियों, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे हम लोग शॉर्टकट में साथियों दक्षेस हिंदी में बोल देते हैं, हिंदी में हम लोग ऐसे दक्षेस बोल देते हैं और इंग्लिश में इसे शॉर्टकट में सार्क बोला जाता है, SAARC। तो इसका इंग्लिश का जो पूरा नाम होता है साथियों, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह साथियों जो दक्षिण एशिया के 8 देश है उनका एक समूह है, 8 देशों का। तो 8 देशों में साथियों जैसे अफगानिस्तान, इंडिया हो गया, तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे में आपसे दक्षेस के बारे में पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान संगठन है ये, कह रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे हम लोग हिंदी में शॉर्टकट में ये दक्षेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? दक्षेस। और इंग्लिश में अगर शॉर्टकट में बोलना होता है तो हम लोग सार्क बोलते हैं, SAARC, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साथियों यह दक्षिण एशिया के जो 8 देश हैं
उनका एक समूह है जो 1985 में बांग्लादेश के ढाका में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर का अगर बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। तो ये नेपाल के काठमांडू में है इसका हेडक्वार्टर। तो विकल्प नंबर बी है, ये आपसे यहाँ पूछ रहा है किस वर्ष में स्थापना इसकी हुई थी। तो विकल्प नंबर बी यानी 1985 में हुई थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो चले हम लोग अब देखते हैं अपना जो है चौथा क्वेश्चन। अगर इसके देशों की बात करेंगे साथियों, इसको देश में अगर थोड़ा सा बात आपको बता दें, ये भी कभी पूछ लेता है कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आप जान लीजिए 8 देश हैं इसमें, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और एक आपको श्रीलंका हो जाएगा, एक आपके मालदीव हो गए। कितना हो गए यार, 4 इधर 4 इधर, यस 8, यही सब देश हैं यहाँ। तो फिलहाल तीसरे का उत्तर बी होगा। आगे देख ले हम लोग चौथे में। चौथे में साथियों आपसे क्या पूछ रहे हैं देखें हम लोग ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपसे। इसमें पूछा जा रहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का ट्रांजिट हब बनने जा रहा है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र का ट्रांजिट हब बनने जा रहा उत्तर प्रदेश का जेवर एयरपोर्ट निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के मॉडल पर यानी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। तो साथियों इनका कहने का मतलब है जो उत्तर प्रदेश का जेवर एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है, बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है जेवर एयरपोर्ट, तो वो किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की नकल पर यानी मॉडल पर बनाया जा रहा है। तो यहाँ ट्रांजिट हब का मतलब होता है साथियों परिवहन तंत्र, यहाँ पर ये जान लीजिए, इसको भूलिएगा नहीं, तो परिवहन तंत्र होता है। तो यहाँ कह रहा है कि जेवर एयरपोर्ट किसकी तर्ज पर बनाया जा रहा है, तो साथियों स्विट्जरलैंड में एक एयरपोर्ट है ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसी के मॉडल पर यह जेवर एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। तो विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा, ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, शॉर्टकट में आप ऐसे कर लीजिएगा जिया। आगे देखें पांचवे में क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। तो साथियों बहुत ही गजब योजना है ये, आपको मालूम होगा, अभी बता रहे हैं इसके बारे में हम डिटेल से। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत किन क्षेत्रों में ऋण प्रदान किया जाता है। तो साथियों ये जो ऋण प्रदान किया जाता है सेवा एवं उद्योग क्षेत्र, विकल्प नंबर सी आपका उत्तर होगा। इसमें साथियों अगर आप जैसे कोई उद्योग खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको 25 लाख रुपए तक जो है आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप जो है कोई सेवा क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जैसे कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं इस तरह का सेवा क्षेत्र में काम, तो वहां उसमें आपको 5 लाख तक जो है इसमें लोन मिल जाएगा। तो यही है स्वरोजगार अपना करने का एक योजना आई है, अगर आप अपना खुद से कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए यह उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना है। आगे देखें हम लोग छठवे में। छठवे में साथियों आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी, एक तरफ आपकी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां दी गई हुई हैं और 2024 में उनकी कितनी सीटें आई, दूसरी तरफ उसको दी, एक तरफ पार्टी है और यहाँ दूसरी तरफ सीटें दी गई है। तो चले हम लोग देखते हैं कौन सी हमारी यहाँ पर सही है। साथियों गजब का सवाल है, आप लोग तो जानते हैं अगर उत्तर प्रदेश के होंगे तो समाजवादी पार्टी ने इस 2024 के चुनाव में 37 सीटें जीती हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस साथियों 6 सीटें जीती हैं, यानी सपा और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ी थी तो ये लोग 43 सीटें जीती हैं। तो ये वाला तो गलत हो गया आपका। तो यही कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो विकल्प नंबर बी वाला सुमेलित नहीं है, तो बी ही आपका उत्तर हो जाएगा। हमने गलती पकड़ में आ गई। और जो RLD है राष्ट्रीय लोक दल, ये 2 सीटें जीती थी, 2 मिली थी और 2 ही जीती, और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण वाली 1 सीट वो जीती थी नगीना से। तो फिलहाल बी वाला ही सही नहीं है क्योंकि 12 सीट कांग्रेस उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है ना, तो वैसे तो कांग्रेस कुल भारत में 99 सीट जीती है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है 6 सीटें जीती है, 12 नहीं। तो आगे चले हम लोग सातवें में देखते हैं। सातवां में साथियों आपसे क्या पूछ रहे हैं, जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम बदलकर क्या किया गया है। साथियों अभी जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मानव संसाधन और विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय नाम दिया, और यहाँ पर जो मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम बदल कर रखा गया तो मदन मोहन मालवीय के नाम पर रख दिया गया, मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा ये आपका, ये केंद्र की बात पूछ रहा है ये।
तो केंद्रों का नाम क्या कर दिया गया है, मदन मोहन मालवीय शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र। आगे देखें हम लोग नौवां में क्या पूछ रहे हैं, तो आठवां में, अच्छा आठवां है यहाँ पर, तो अभी तक हम लोग सातवां देखे, आठवां में देख रहे हैं क्या है ये साथियों, स्वयं पोर्टल कार्यक्रम के संबंध में। एक सरकार का एक पोर्टल है स्वयं, ये इसमें पूरा है, इस कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है साथियों, तो कौन सा सही नहीं है, इस कार्यक्रम पोर्टल को 2017 में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। तो नहीं साथियों, इसके द्वारा ये आरंभ नहीं किया गया था, तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां। आठवें में आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ स्वयं पोर्टल दिया है, स्वयं पोर्टल कार्यक्रम, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है उसी को बताना है। इन दोनों कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा उत्तर सही है हमारा। तो साथियों जानते हैं स्वयं पोर्टल कार्यक्रम 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था, यह सही बात है। और इसमें सभी उच्च शिक्षा और विषय, उच्च जो शिक्षा विषय से रिलेटेड एजुकेशन है और कौशल क्षेत्र के पाठ्यक्रम शामिल है, तो दोनों के दोनों बातें ये स्वयं पोर्टल से कार्यक्रम से सही है। उच्च शिक्षा विषय, उच्च शिक्षा विषय और कौशल यानी स्किल क्षेत्र में कार्यक्रम के पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका उत्तर सी हो जाएगा, आठवें का सी। आगे हम लोग अगर देखते हैं नौवां में हमारा क्या पूछ रहा है साथियों, ये अभी अभी बहुत चर्चा में था जब अभी लोकसभा चुनाव का जो अंतिम चरण था उसमें मोदी जी यहाँ पर चले गए थे विवेकानंद राग मेमोरियल यहाँ पर, तो अभी बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहा, आप लोग देखे होंगे, लोग कह रहे थे कि हाँ ये जो लास्ट स्टेज का चुनाव है तो वोटों के, वोट के लिए मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल हमारा ये काम नहीं है, ये विवेकानंद राग मेमोरियल जो हाल ही में चर्चा में रहा, मैंने बताया ना, तो मोदी जी यहाँ गए थे तो बहुत ज्यादा बवाल हुआ था इस पर, तो ये चर्चा में रहा। इसकी प्रमुख संरचनाएं हैं तो साथियों विवेकानंद मंडपम एवं श्रीपद मंडपम, विकल्प नंबर ए यही हो जाएगा। तो जो हाल ही में चर्चा में रहा इसकी प्रमुख संरचनाएं यही है, जो समुद्र में मोदी जी आप लोग देखे होंगे कि डुबकी लगा रहे थे समुद्र के अंदर। तो नवा हम लोग देख लिए, अब हम लोग दसवां देखते हैं, दसवें में क्या है। आंध्र प्रदेश में महुआ, साथियों आंध्र प्रदेश में भी एक चर्चा में था, महुआ से कुछ वहां के लोग जो है, वहां के लोकल लोग वो जो है शराब बना रहे थे, तो गैर सांविधिक प्रसंस्करण को लेकर चल रही जनजाति क्या है। तो साथियों वो लोग कोया जनजाति है, महुआ से वो लोग एक तरह का शराब बना रहे थे, तो उन पर सरकार, उसके शराब से कई पीने वाले लोग मर गए, तो ये चर्चा में आया था। तो कौन सी जनजाति थी शराब बनाने वाली, कोया जनजाति, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा डी, दसवें का डी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं हमारा ग्यारह में, तो ग्यारहवें में हमसे क्या पूछ रहे हैं, यूनिफाइड इंडिया, गजब का सवाल है साथियों, यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो, ये एक ऐसा लोगो है साथियों, यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो, जो आपको बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है जिस पर ये लोगो लगा होगा, जैसे उसको आप समझ जाएंगे लोगो देखकर, हाँ ये ऑर्गेनिक है, यानी इसमें दवाओं का, कीटनाशक का, यूरिया का, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया गया इस प्रोडक्ट में, तो जिस पर लोगो लगा रहेगा, तो यही बात करा यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो के संदर्भ में दो कथन दिया है, इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग सही उत्तर दें, कह रहा है अपीडा इंडिया ऑर्गेनिक लोगो व एनपीओ योजना के जैविक भारत यानी ऑर्गेनिक इंडिया लोगो का एक संयुक्त रूप है, यह साथियों बिल्कुल बिल्कुल सही है, अपेडा के इंडिया ऑर्गेनिक लोगो व एनपीओपी योजना के, तो इन दोनों संबंधित है, विकल्प नंबर एक सही है। और कह रहा है कि इस लोगो का उपयोग केवल निर्यात यानी हम जो निर्यात वस्तु करेंगे या उत्पाद रहेगा उसी में किया जाएगा, नहीं साथियों जो हम लोग यहाँ पर भी जो यूज करने वाले होंगे उस पर भी रहेगा, केवल निर्यात पर नहीं रहेगा, तो ये वाला गलत हो गया, तो आपका उत्तर केवल ए हो जाएगा। आगे चले हम लोग बारह में देखते हैं, बारह में साथियों क्या कह रहे हैं आपसे, हाल ही में संपन्न 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कुछ कथन दे दिया है, इन कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दे दीजिए आप। तो आप लोग जानते हैं इस साल लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव में साथियों, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं,
2019 चुनाव में कुल 78 जो है महिला सांसद थी, लेकिन ये 2024 का जो चुनाव आया तो इसमें जो है 4 महिला सांसद कम हो गई। इस साल केवल 74 महिला सांसद सब हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी के हैं 31, 31 बीजेपी के हैं, इसका उल्टा 13 कांग्रेस को हैं और 5 समाजवादी पार्टी के हैं। तो यही इसमें संबंधित बात दिया है। तो कह रहा है पिछले चुनाव में लोकसभा की तुलना में 4 महिला सांसद कम हो गई, मैंने पहले बताया सही बात है। और 18वीं लोकसभा चुनाव गठन किया गया जिसमें कुल 41 पार्टियों के उम्मीदवार चुने गए हैं। तो यह साथियों इस पार्टी में कुल 41 जो सरकार का गठन हुआ है इसमें 41 पार्टी सब जुड़े हुए हैं इसमें वाले में। तो आपका जो है 12वें का जो उत्तर होना चाहिए आपका सी हो जाएगा, दोनों सही है। आगे देखें हम लोग, दोनों की दोनों बातें सही हैं। 13 में क्या है, 13 में साथियों आपसे क्या पूछ रहा है, हाल ही में केरल में साथियों अभी एक बीमारी फैली थी, केरल में एक अमीबा से संबंधित वो बीमारी है यानी अमीबी बीमारी है जिसे हम लोग शॉर्टकट में पैम कहते हैं, प्राइमरी अमीबी मेनिंगो एंसेफिलाइटिस से कई बच्चे जो है कई बच्चों को मृत्यु हो गई थी जिसके बाद ये मामला सामने आया था। इस अमीबा का नाम क्या है, तो साथियों इस अमीबा का जो नाम है वो निगलेरिया फॉलेरी है, विकल्प नंबर बी। इसे जो है मस्तिष्क खाने वाला अमीबा भी कहते हैं यानी मस्तिष्क से संबंधित होता है, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। इस अमीबा को मस्तिष्क खाने वाला अमीबिया यानी ब्रेन ईटिंग भी कहा जाता है इसे। आगे देखें हम लोग 14 में, 14 में साथियों ये भी अच्छा सवाल है, यहाँ आने की संभावना ऐसे सवालों को बहुत रहती है। अभी दूरदर्शन ने तो दूरदर्शन किसान जो योजना है सरकारी चैनल जो किसानों से संबंधित बनाया गया है उसने अभी AI एंकर जो शुरू किया है, 2 एंकर यानी वो रोबोट होगा जो आपके जो है समाचारों न्यूज को पढ़ता है, वो कोई सामान्य हमारे आपकी तरह आदमी नहीं रहेंगे, वो 2 एंकर हैं रोबोट हैं वही पढ़ेंगे। तो उनके नाम क्या है उस रोबोट का, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर यानी एक तरह से कह सकते हैं रोबोट हैं कंप्यूटर हैं वही पढ़ेंगे अब चैनल को, तो जो DD किसान चैनल द्वारा शुरू किया गया है। तो साथियों उसका नाम AI क्रिस और AI भूमि, तो नाम रखे रहिएगा याद रखे रहिएगा, क्रिस और भूमि संबंधी नाम है इनका, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा 14 का डी। आगे हम लोग देखें 15वें में, तो 15 वाले में साथियों हमसे क्या पूछा जा रहा है, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय संबंधी सवाल है। तो इसमें आपसे कह रहा है कि 15वें में नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित कथन दो दिए गए हैं, इन पर विचार करके सही उत्तर दीजिए। तो यह विश्वविद्यालय संसद के, यह विश्वविद्यालय संसद के नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया था। तो साथियों ये बात यहाँ पर जो है ये गलत है, यह संसद के नहीं यह राज्य का वाला का मामला है। तो यह जो है बिहार में है, आप लोग जानते हैं नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तो विकल्प नंबर ये आपका तो पहला गलत हो जाएगा। यह परिसर भारत में अपनी तरह का प्रथम ऐसा परिसर है जिससे नेट जीरो उत्सर्जन है यानी साथियों उत्सर्जन नहीं करता है, यह उत्सर्जन को मतलब इसके इसके द्वारा कुल नेट उत्सर्जन एकदम जीरो है, तो विकल्प नंबर ये 2 सही है केवल यहाँ पर, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, सही पूछा है तो केवल बी हो जाएगा हमारा 15 का बी। आगे हम लोग देखे हैं अगर 16 में क्या कह रहे हैं, तो 16 में साथियों 570 करोड़ की लागत से बनने वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक पार्क कहां पर प्रस्तावित है, कहां पर इसके बनाने की बात किया गया है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो साथियों आगरा में, विकल्प नंबर बी बनाया जा रहा है लॉजिस्टिक पार्क आगरा में, तो 16 का सी हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा उत्तर आगरा में। आगे देखें हम लोग 17 में, उत्तर प्रदेश में प्रदूषित नदियों की संख्या जून 2024 में 13 रही, आंकड़ा आया जून 2024 में उत्तर प्रदेश जो प्रदूषित नदियां हैं वो 13 हैं। तो यही पूछ रहा है आंकड़ा यह किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, तो साथियों जो आंकड़ा जारी किया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, विकल्प नंबर ये यानी CBPC, तो विकल्प नंबर सी द्वारा ये यही आपका उत्तर होगा 17 का सी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 18 में देखते हैं, जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने वर्ष पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स को 25% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, तो साथियों बहुत अच्छा सवाल है 18वां वाला। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जून 2024 में फैसला लिया कि हम
इतने साल पुराने को जो है जो वाहन होंगे उन पर हम 25% तक टैक्स बढ़ाएंगे। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कितने, तो 15 वर्ष से जो पुराने वाहन है उन पर ये 25% से ज्यादा टैक्स लगेगा। तो आपका वाहन यदि 15 साल पुराना हो तो उसे बेच बाज से नया ले लीजिए। तो 19 वाला देखते हैं क्या पूछ रहा है 19 में। तो 19 वाले में साथियों हमसे क्या पूछ रहे हैं, विचार कीजिए दो कथनों पर दिए हुए और विचार करके सही उत्तर को दीजिए आप। तो चलिए सही उत्तर दीजिए आप, कैसे दोगे? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश राज्य जनधन खाते खुलवाने के संबंध में दूसरे स्थान पर। साथियों इतनी बड़ी आबादी, उत्तर प्रदेश की लगभग 25 करोड़ आबादी है, टॉप पर है पूरे राज्यों में, तो कह रहा है दूसरे नंबर। दूसरे नंबर नहीं साथियों, ये जो दूसरा स्थान दे दिया है, पहला स्थान है फर्स्ट जनधन खाता खुलवाने में। और जनधन खाता संबंधी जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से जारी किया गया था। तो विकल्प नंबर 2 केवल सही है, 1 गलत है, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, तो साथियों आगे क्या कह रहा है, हमें कौन सा प्रश्न पूछ रहा है। स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर हाल ही में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है, तो बढ़ावा देने के लिए कौन सी कार्यक्रम शुरुआत की है। तो साथियों उड़ान, ये उड़ान वाला देख रहे हैं, एक उड़ान तो वो हो जाए जो यूरोप से संबंधित होता है, रोपवे, ये नहीं है। ये जो उड़ान है आईआईटी कानपुर में हाल ही में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम उड़ान को शुरुआत की है। तो विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा, ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग। तो 20 का आपका उत्तर ए हो जाएगा, उड़ान। आगे देखते हैं हम लोग 21 में, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा कृत्रिम हृदय। साथियों भाई बहुत ज्यादा अभी ये चर्चा में रहा, एक आईआईटी कानपुर वालों ने एक मशीन के द्वारा हृदय हर्ट बनाया है, और जो वो बकरी के अंदर वो फिट करेंगे, देखेंगे कि ट्रायल करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। तो आईआईटी कानपुर वालों ने एक कृत्रिम हृदय बनाया है जिसका एक बकरी पर ट्रायल करने के लिए तैयारी की जा रही है। तो ये किसने बनाया है आपसे पूछ रहे हैं, आईआईटी कानपुर वालों ने बनाया है। आगे देखें हम लोग 22 में, 4 जून 2024 को घोषित लोकसभा के चुनाव परिणामों पर उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद हैं। तो साथियों उत्तर प्रदेश सबसे युवा सांसद हैं मेल या फीमेल, तो साथियों आपको इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होगा, ये प्रिया सरोज एक हैं और एक पुष्पेंद्र सरोज हैं। तो साथियों यह पुष्पेंद्र सरोज यह ज्यादा है, हालांकि ये दोनों की उम्र सही है, लेकिन हालांकि कुछ ही दिन का ये प्रिया सरोज बड़ी है, लेकिन पुष्पेंद्र सरोज सबसे युवा में पुष्पेंद्र सरोज आ जाएंगे। तो विकल्प नंबर ये डी हो जाएगा आपका, पुष्पेंद्र सरोज, जो कौशाम्बी से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के जो कौशाम्बी जिला है तो वहां से हैं ये। आगे देखें हम लोग 23 में, 23 में साथियों सुंदरम साहित्य शिरोमणि सम्मान, सुंदरम साहित्य शिरोमणि सम्मान 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें दिया गया है। तो किन्हें दिया गया है साथियों, शोभा त्रिपाठी को दिया गया है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, शोभा त्रिपाठी 23 2023 का ये सम्मान। आगे देखें 24 में, तो 24 वाले में हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो वाराणसी रोपवे परियोजना, वाराणसी रोपवे परियोजना के संबंध में 2 कथन है, दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है। तो पहला आप लोग जो पढ़ेंगे साथियों, पहला आप लोग पढ़ेंगे तो भारत की सर्वश्रेष्ठ शहरी रोपवे परियोजना है यह। साथियों रोपवे मतलब एक तरह के साथियों रस्सी से एक जो तार के सहारे एक ऐसे होता है ना, जैसे यहां से यहाँ कोई पहाड़ी टाइप का एरिया में जाना है, तो एक तार होगी, तार में एक गाड़ी टाइप का होगा, कुछ एक डोली टाइप का, तो उसी में बैठकर जो है तार के सहारे लोग जाते हैं, तो उसे देखा होगा आप लोगों ने। तो आ यही है, तो रोपवे परियोजना भारत की सबसे अच्छी है, सर्वप्रथम शहरी रोपवे परियोजना सही है। दूसरा में कह रहे हैं वाराणसी के छावनी रेलवे स्टेशन से लेकर चर्च स्क्वायर तक प्रस्तावित है, यस। तो दोनों के यहाँ कथन सही है, हमारे दोनों के दोनों कथन सही हैं। आगे देखें 25 में क्या कह रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रही शॉर्ट फिल्म बनी हुड किसके द्वारा निर्मित किया गया। एक शॉर्ट फिल्म साथियों आई है जिसका नाम है बनी हुड, ये किसने इस फिल्म को किसने बनाया है। तो साथियों ये जो फिल्म बनी है शॉर्ट हुड, ये आपके जो है ये तो अर्पणा से नहीं है, ये मानसी महेश्वरी, हाँ यस,
महेश्वरी नाम बहुत चर्चा में था, यही है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका, यही है ये बी, तो मानसी महेश्वरी एमएम। आगे देखें 26 में क्या पूछ रहे हैं हमसे। 26 में साथियों पूछा जा रहा है, हाल ही में भोपाल में आयोजित 50 मीटर की फ्री पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो साथियों जो भोपाल में ये जो 50 मीटर ये फ्री पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता हुआ था, इसमें उत्तर प्रदेश के साथियों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के एक थे बहुत ही चर्चित खिलाड़ी थे, तो ये दिव्या वशिष्ठ ये तो नहीं थी, पूर्वी अंचेला मनु भाकर तो नहीं थे, ये तो वहाँ के हैं 10 मीटर पिस्टल वाले में, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर साथियों जो होना चाहिए आपका ये दिया वशिष्ठ होंगे, विकल्प नंबर ए दिया वशिष्ठ, यही है 26 का ए हो जाएगा आपका। आगे देखें 27 में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जिन्हें हम लोग जीएम कहते हैं, जीएम मच्छरों के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार करके हमें सही उत्तर दीजिए आप। तो 27वां का सही उत्तर देना है साथियों हमें, तो चलिए हम लोग सही उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं। तो पूर्वी अफ्रीका देश जिबूती इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है, तो यस साथियों उसने शुरू किया है पायलट प्रोजेक्ट ये जीएम मच्छरों से संबंधित समस्या से निपटने के लिए, तो ये तो सही है, यह अपने आप में इस प्रकार का विश्व में प्रथम परीक्षण है। नहीं साथियों इससे संबंध में कई देश ऐसे परीक्षण कर चुके हैं, प्रथम नहीं है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो 27 का उत्तर होना चाहिए केवल एक होगा, 27 का ए। आगे हम लोग 28वां आलम देखते हैं, अगर श्रीनिवास कुलकर्णी को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए श्रीनिवास कुलकर्णी को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये बताना है साथियों। तो आप लोग जानते हैं ये शौ पुरस्कार, विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा, शौ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 28 का सी। आगे देखते हैं हम लोग 29 का, रुपे सेवा को हाल ही में किस डीपी देश ने अपने देश में शुरू करने की घोषणा की है। तो साथियों जो रुपे सेवा है अपने भारत की, तो इसको अभी एक डीपी देश ने अपने यहाँ शुरू करने की घोषणा की है, तो मालदीव, जो भी कुछ समय बाद भारत के मालदीव अपने प्रधान, जो मालदीव के कुछ मंत्रियों ने भारत प्रधानमंत्री को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, तो वही मालदीव, विकल्प नंबर बी आप लोग देखेंगे जो हिंद महासागर में है ये। आगे देखें तीसरा में क्या है, जिग नाम का स्वर्ण समर्थित मुद्रा किस अफ्रीकी देश ने जारी की है। तो साथियों जिग नाम का एक स्वर्ण मुद्रा, जिग नामक स्वर्ण समर्थित मुद्रा किस अफ्रीकी देश ने यह जारी किया गया है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये जिम्बाब्वे ने किया है, तो विकल्प नंबर बी जिम्बाब्वे ने जिग नाम का एक सोने की ये मुद्रा जारी किया है जो अफ्रीका में गया है जिम्बाब्वे। तो साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, इसमें आपसे पूछ रहा है बिम्स्टेक, यानी बिम्स्टेक आप लोग जानते हैं बंगाल की खाड़ी के किनारे के जो देश है उनका एक संगठन है जिसमें नेपाल और भूटान भी शामिल है। तो साथियों बिम्स्टेक समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो तीन कथन दिए हैं, तीनों कथनों पर विचार करके हमें सही उत्तर देना है। तो ये चर्चा में क्यों आया साथियों, अभी मई 2024 में बिम्स्टेक का चार्टर लागू हुआ है, तो यहाँ पर आपको दे दिया है कि 2007 में लागू हुआ, नहीं साथियों 2024 में लागू हुआ, तो विकल्प ए तो आपका गलत हो गया, इसका मतलब जिसमें एक होगा वो उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। चलो और पढ़ते हैं, हाल ही में सहयोग क्षेत्रों का पुनर्गठन करके उनकी साथ कर दी गई है, यस साथियों ये भी सही है, और बिम्स्टेक का गठन जो 1997 में हुआ था आप लोग जानते हैं यही है, तो ये भी सही है, तो दोनों के दोनों कथन आपके सही है, तो विकल्प नंबर आपके बी हो जाएंगे, यही आपका उत्तर है, यही सही है, 31 का आपका बी हो गया। आगे देखें हम लोग 32 में क्या कह रहे हैं, तो देखें हम लोग 32 में क्या है, भारतीय शांति नायक सैनिक नायक धनंजय कुमार सिंह को
किस पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो साथियों यही आपको दिया गया है, किस सम्मान से ये किया गया है, तो डैग हैमर शॉल्ड मेडल से, विकल्प नंबर डी हो जाएगा ये वाला। तो शांति नायक सैनिक धनंजय कुमार सिंह, तो इनको डैग हैमर शॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है कांगो। आगे देखें हम लोग तो 33 में क्या पूछ रहे हैं, तो कोलंबो प्रक्रिया के संदर्भ में, कोलंबो प्रक्रिया के संदर्भ में आपसे दो कथन पूछ रहे हैं। कोलंबो प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है उसे बताना है। तो इसका उद्देश्य दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रवासी सैनिकों से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करना है। तो साथियों यस ये सही है, ये वाली बात आपकी सही है, क्योंकि उद्देश्य दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया प्रवासी सैनिकों के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करना है, यह सही बात है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन कोलंबो प्रक्रिया का तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना है, दोनों बातें सही है। तो विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा, 33 का सी। तो साथियों यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछ रहे हैं, अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल एवं वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए भागीदारी पहल, तो निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है साथियों, यह G7 से संबंधित है, विकल्प नंबर यह ए हो जाएगा, G7 से संबंधित है ये। आगे देखें हम लोग 35 में, तो 35 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, संयुक्त संसद समिति JPC जिसे हम लोग कहते हैं, तो निम्नलिखित में से इसके संबंध में कौन सा सही है, हमें पढ़कर सही उत्तर देना है। तो JPC एक तदर्थ समिति है जिसके सदस्यों की सीमा निर्धारित नहीं होती है, यस बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NCR 2016 तथा व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019 के संदर्भ में संसद द्वारा JPC की गठन पूर्व में किया गया है। तो यहाँ पर साथियों दोनों बातें सही है, ये भी सही है ये भी, तो आपका उत्तर जो है यह सी हो जाएगा, ये संयुक्त समिति यानी JPC के संदर्भ में। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा भारत सरकार को प्रतिवर्ष यानी हर साल ट्रांसफर किए जाने वाले अधिशेष अंतरण का इंग्लिश में साथियों मतलब होता है कि सरप्लस ट्रांसफर संबंधित समिति किससे है। तो साथियों आप लोग जानते हैं ये अधिशेष अंतरण का मतलब ये होता है, जैसे RBI अपने आय व्यय के बाद जो एक्स्ट्रा यानी सरप्लस होता है वो सरकार को देती है। तो ये साथियों ये पूछ रहे हैं यह बात जो है किस किस मतलब समिति में रखी गई थी, तो बिमल जालान समिति, विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा कि RBI अपना सरप्लस जो ट्रांसफर है वो सरकार को देगी, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे हम लोग देखें 37 वाला में क्या गजब का सवाल है, देखने में बड़ा है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है साथियों। एक अभी ये आई थी 37वां जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, रिटेल डायरेक्ट साथियों एक तरह का इन्वेस्टमेंट मोबाइल ऐप है, जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसको आपको तमाम सरकारी सुरक्षा मिलेगी, तमाम बातें बताई जाएगी स्मार्टफोन के जरिए। तो यही बात इसमें कहा गया है, मोबाइल ऐप जो है वो खुदरा निवेशक जो होते हैं प्रत्यक्ष तौर पर स्मार्टफोन के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों में सफलतापूर्वक निवेश करने के लिए एक सुविधा आपको प्रदान करेगा। तो ये तो सही है, रिटेल डायरेक्ट जान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। और ये प्रवाह पोर्टल साथियों क्या है, व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए सेबी नहीं होगा साथियों, यहाँ RBI होगा, व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए RBI से विभिन्न प्रकार की विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन मंच है। तो साथियों ये गलत हो गया क्योंकि RBI की जगह सेबी दे दिया था, तो ये गलत हो गया, तो उत्तर आपका केवल बी हो जाएगा, सही पूछा है तो केवल ए हो जाएगा क्योंकि सही पूछा है ना, तो ए वाला हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 38 में, तो देखें 38 वाले में आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहां मगर देखते हैं 38 वाले में, हाल ही में RBI द्वारा ब्रिटिश सरकार को किए गए स्वर्ण प्रत्यावर्तन, तो साथियों बहुत ही गजब का सवाल है, अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, 100 टन सोना, 100 टन सोना, तो 100 टन ये सोना क्या है, तो
तो आरबीआई के तहत ब्रिटिश सरकार से किए गए स्वर्ण प्रत्यावर्तन के संदर्भ में दो कथन है, विचार कीजिए। तो साथियों जानते हैं 1991 में जब संकट आया था, हम लोग अपना सोना गिरवी रखे थे ब्रिटेन को और ब्रिटेन ने हमें आर्थिक सहायता दी थी। तो बाद में हम लोगों ने कर्ज उस थोड़े समय में चुका दिया, लेकिन सोना किन्हीं कारणों से वहीं पड़ा रहा, तो वही सोना आ रहा है फिर भारत में। तो यही है, कह रहे हैं कि लगभग 1000 टन सोना, 1000 टन नहीं साथियों, 100 टन है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया आपका, आरबीआई की बैलेंस शीट पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा इसका कोई वित्तीय प्रभाव? इसका रीजन यह है कि यह हमारा हमारा ही है, ऐसा नहीं कि उनका है, हमने उनका दे दिया है। अगर हम लोगों को कहीं से एक्स्ट्रा मिलता होता, दान में कहीं कोई देता होगा, तब ना फर्क पड़ता। तो हमारा ही है, बस रखा हुआ था, वो हम लोग ला रहे हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात जो है हमारा दूसरा वाला सही है। तो 38 में जो हमारा उत्तर होना चाहिए साथियों, तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल बी सही है इसका, ये गलत हो गया क्योंकि 100 टन है। आगे हम लोग देखें 39 में। तो 39 में आपसे जो पूछ रहे हैं साथियों, वैश्विक क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर यानी पीपीपी जो है, संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो वैश्विक क्रय शक्ति समता, ये आंकड़े जो होते हैं ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ये पूछ रहा है साथियों। तो आंकड़े ये जो हो जारी किए जाते हैं साथियों, इंटरनेशनल कंपेरिजन प्रोग्राम ICP और विश्व बैंक यानी WB के द्वारा। तो डी हो जाएगा आपका उत्तर, 39 का डी हो जाएगा। तो साथियों ये 40 वाले में जो हमारा ये प्रश्न दिया है, थोड़ा सा नाम थोड़ा अजीब अजीब से दिया है, ये नाम जहां भी आए तो आप जान लीजिए ये कैंसर की दवाओं से संबंधित है। विकल्प नंबर ये सी होगा। ये क्या है साथियों? ये टिस्लेली जुमैब और जानू ब्रुटिनिब। तो ये दो जो है दवाओं के नाम है, कैंसर की दवाओं के नाम है ये। यही पूछ रहा है कि ये दवाएं किस रोग से संबंधित है, तो कैंसर की रोग से। तो आप लोग जानते रहिए, टीजे है, तो एक टी है एक जे से है। आगे देखें हम लोग 41 में। तो 41 में क्या पूछ रहे हैं साथियों, ये अभी अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था, ये आपसे पूछ ले जाता था कि 12 ग्लिसले 12 बी क्या है। तो ये जो ग्लिसे 12 बी है साथियों, नासा द्वारा खोजा गया एक एक्सप्लो प्लेनेट है यानी वाह ग्रह है। तो ये वाला तो बात सही है, ये पोलर रेडिएशन एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट यानी प्री फायर जिसे कहा जाता है शॉर्टकट में, प्री फायर मिशन करा है यूरोपियन स्पेस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। नहीं साथियों, ये जो प्री फायर मिशन है यह नासा के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। तो इसका मतलब दो गलत हो गया, केवल एक सही है। तो आपका उत्तर ए हो जाएगा 41 का, 41 का आपका जो उत्तर होगा वो ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखें, आगे हमारा जो उत्तर आ रहा है ये 42 में क्या है साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल, अग्निबाण से संबंधित है। आप लोग जानते हैं अग्निबाण अभी खूब चर्चा में था, यह अग्निकुल कॉस्मस द्वारा विकसित ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट है। तो ये बी हो जाएगा आपका उत्तर ये। आगे हम लोग देखें 43 में। 43 में करा है लकड़ी द्वारा निर्मित यानी लकड़ी से निर्मित दुनिया की पहली सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसैट, यह निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये जापान के द्वारा किया गया है। विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग अगर 44 में। तो 44 में साथियों यहां आपको तीसरा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, कह रहा है इसरो एवं फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES इन दोनों संस्थाओं के द्वारा घोषित मिशन, एक मिशन घोषित किया गया जिसका नाम रखा गया है तृष्णा। तृष्णा का सही विस्तारित रूप यानी उसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो साथियों इसका जो फुल फॉर्म है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका, यही वाला। तो इसे याद रखे रहिएगा, तृष्णा यही है। आगे देखें हम लोग 45 में साथियों। ये 45 वाला जो आपसे पूछ रहा है, ये काजा, यहाँ देख रहे हैं ना, एक काजा ट्रांसफ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 2024 के राष्ट्र अध्यक्ष शिखर सम्मेलन जाम्बिया के लिविंग स्टोन में हुआ था। ये साथियों काजा, ये वाला जो ट्रांसफ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र, तो यही हुआ था जाम्बिया के लिविंग स्टोन में। इससे संबंधित साइट्स, साइट्स का यहाँ जो पूरा नाम दे दिया है, तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड वाइड ये फौना एंड फ्लोरा।
से बाहर, यानी ये साइट से बाहर जाने के लिए आवाहन कर रहे हैं। तो यस, इसके जो संबंधित देश हैं तो साइट से जाने के लिए आवाहन कर रहे हैं बाहर, तो ये भी सही है। तो आपका जो उत्तर होगा ये सी हो जाएगा, 45 का। 46 में, 46 एक बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आने की संभावना बहुत रहती है। क्या है इसमें? 5 जून 2024 के बिहार में साथियों, दो, एक नागी और एक नकटी वर्ल्ड सेंचुरी को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो शामिल करने के बाद ये रामसर स्थल सूची में ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो साथियों इसमें थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बना है तो ये बना है अगस्त का, अभी हाल ही में साथियों ये, मतलब पहले मैं इसको पूरा कर दूं तो अपडेट वाला बताता हूं। तो यही कह रहा है रामसर स्थल सूची बढ़कर कितनी हो गई, तो यहाँ इस हिसाब से तो उत्तर 82 होगा, क्योंकि 80 था पहले रामसर स्थल की, पहले 75 था, 5 और जुड़ी 80 हो गया, फिर 2 ये बिहार में जुड़ गई, तो ये 82 हो गया। तो इस हिसाब से उत्तर तो 82 होगा। लेकिन साथियों उत्तर आप जब भी आपसे पूछे कितने रामसर स्थल बढ़कर हो गए हैं अब, तो वर्तमान में जो हो गए हैं साथियों वह 85 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, देखिए 82 तो ये दोनों जुड़ने से हुए, लेकिन अभी हाल ही में 3 और जुड़ गए हैं। ये दो साथियों, दो तमिलनाडु में, एक कजरिया करके है, एक नजरायन करके है, तो एक वो हो गया, और एक जो है तवा नाम की है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो ये 3 जुड़ गए, तो 82 तो पहले था, जो अभी 3 जुड़े हैं ये मिलकर 85 हो गए, यानी 85 रामसर स्थल सूची बढ़कर कितनी हो गई? 85 हो गई। तो फिलहाल मैं अपडेट चीज आपको बता दिया, तो आप इसको समझ गए होंगे। आगे देखें 47 में, निम्नलिखित कथनों पर प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो बहुत ही अच्छा सवाल, इस साल चुनाव में प्रोटेम स्पीकर बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो आप लोग जानते हैं प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जो अमूमन सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं जो लोकसभा में, उन्हीं में से किसी सबसे वरिष्ठ चुन लिया जाता है, और वो सदस्यों का उनका काम क्या होता है कि नए नवेले जो चुनकर आए हैं एमपी, तो उनको जो है शपथ दिलाना। तो राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त की जाती है, सही बात है, लेकिन हमसे गलत पूछा है, याद रखे रहिएगा। तो ये सही है, समानता सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटोम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, यस सही बात है। प्रोटोम स्पीकर फ्लोर टेस्ट भी आयोजित करवाता है, यस ये भी सही बात है। और कह रहा है कि भर्तृहरि महताब को 17वीं लोकसभा का प्रोटोम स्पीकर नियुक्त किया गया है। साथियों 17वीं नहीं, इस साल जो चुनाव हुआ है 18वीं लोकसभा का हुआ है, तो 18वीं लोकसभा के लिए इस साल भर्तृहरि महताब को ये प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। तो इसका मतलब ये गलत है, डी वाला, तो डी ही आपका उत्तर होगा, क्योंकि डी आपसे पूछ रहा है, तो डी आपका उत्तर हो जाना चाहिए, ये गलत है, 17वीं जगह 18वीं होनी चाहिए थी। आगे देखें हम लोग 49 में, थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे के स्थान पर निम्नलिखित में से किन्हें नियुक्त किया गया है? थल सेना की बात कर रहा है, तो उपेंद्र द्विवेदी को, विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा, 48 का सी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, आगे देखें हम लोग 49 का, हाल ही में मेक्सिको देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। तो कौन चुनी गई है साथियों? मेक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका, क्लाउडिया शीनबाम हो गया। आगे देखें हम लोग 50 का, तो 50 में साथियों क्या कह रहा है आपका? प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, दोनों कथनों पर, और सही उत्तर दीजिए। आप लोग को मालूम है या ये केंद्र प्रायोजित योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब ये होता है साथियों, योजना केंद्र सरकार ने शुरू की लेकिन उसमें राज्य सरकार भी सहयोग करता है। तो आप लोग जानते हैं ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार ने शुरू किया, तो केंद्र सरकार इसमें 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% जो है ये राज्य सरकार देती है। अगर ये पहाड़ी राज्य होता, जहाँ पहाड़ी राज्य हैं, तो वहां पर ये रेशियो 90-10 का हो जाता है, यानी 90 केंद्र सरकार, 10 राज्य सरकार। तो ये बात सही है, केंद्र प्रायोजित योजना है, 2016 में शुरू किया गया, जून 2024 सरकार 3 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी आवासों के निर्माण के लिए सहायता मंजूरी की है। तो यस दोनों कथन सही हैं, आपका उत्तर सी हो जाएगा। तो साथियों हम लोगों ने अभी 50 क्वेश्चन तक देखा जो कंसेप्चुअल टाई थे, इसके बाद आपके एक से बढ़कर एक फैक्चुअल प्रश्न आएंगे साथियों, वही है, सारे के सारे फैक्ट प्रश्न आएंगे। जैसे एक प्रश्न यहाँ हम देख लें, तो यहाँ साथियों आपसे दिया है जो 51 वाले में, तो
इक्यावन वाले में आपको एमपी लैंड से संबंधित सवाल दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी आप नाम से ही लग रहा है कि जो एमपी हैं, सांसद हैं, उनको अपने ही क्षेत्र में जहां से वो चुने गए हैं तो उनको एक कोई पिछड़ा हुआ एरिया दे दिया जाता है को आप इसका विकास करिए। तो साथियों इस स्कीम के तहत जो है आप लोग जानते हैं यह एमपी लैंड्स जो योजना है ये 1993 में शुरू किया गया था। एमपी लैंड्स में साथियों आप लोग जानते हैं इसमें हर साल 5 करोड़ रुपया मिलता है दो किस्त में, छः छः महीने पे ढाई ढाई करोड़ करके उसके विकास के लिए, और यह मिलने वाली धनराशि कभी समाप्त नहीं होती है। तो यह दोनों बातें सही हैं, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न अभी आने वाले हैं हमारे, तो वीडियो बहुत बड़ा न हो जाए क्योंकि अभी 50 प्रश्न इसके और बचे हैं। तो हम लोग जो है अगले वीडियो में पार्ट सेकंड करके इसका देख लेंगे बहुत ही अच्छे से। हम लोग मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।